वज्रद्रुप्त के प्रति प्रतिशोध और अपने पुत्र अश्वत्थामा के प्रति अंधे प्रेम के अलावा कोई अन्य उद्देश्य था? आप में और राजा धृतराष्ट्र में क्या अंतर है? द्रोणाचार्य, इस दुनिया में किसी भी पिता से पूछिए तो आपको जवाब मिलेगा कि एक पिता के लिए उसके बच्चों से बढ़कर कुछ नहीं होता। कृष्ण, तो फिर सोचो हे महान ऋषि, जिस पुत्र को तुम इतना प्यार करते हो, तुमने उसे वास्तव में क्या दिया? द्रोणाचार्य, मैंने उसे संपत्ति दी है, मैंने उसे शासन करने के लिए एक राज्य दिया है, मैंने उसे हस्तिनापुर के दरबार में जगह दी है और सबसे बढ़कर मैंने उसे सभी प्रकार के हथियारों और युद्ध कला का ज्ञान दिया है, मैंने उसे वह सब कुछ दिया है जो एक पिता को अपने बेटे या बेटी को देना चाहिए। कृष्ण, क्या आपने उसे नैतिक शिक्षा दी? क्या तुमने सचमुच उसे अपनी सारी शिक्षाएं दी? क्या आप शुरू से ही अर्जुन के प्रति पक्षपाती नहीं थे? क्या आपने अपने बेटे को अपनी सारी विद्याएं ना सिखाने का निर्णय लिया और बचपन से ही अर्जुन को सभी छिपी हुई तकनीकों और रहस्यों से लाड प्यार देते रहे? क्या आपने अश्वत्थामा को धर्म का ज्ञान सिखाया? गुरुदेव, हम सब जानते हैं आपने एकलव्य के साथ क्या किया, उसका दाहिना अंगूठा मांग लिया। आपने एक प्रतिभाशाली तीरंदाज के अंगूठे की मांग की क्योंकि आप अपने शिष्यों और अपने बेटे के प्रति असुरक्षित थे। क्या वह नैतिक रूप से सही था? पूरे स्वर्ग में तुम एकलव्य का सामना कैसे करोगे? क्या तुमने कभी इसके बारे में सोचा है? क्या तुम स्वर्ग में अभिमन्यु का सामना कर पाओगे? क्या आप उसके सवालों का जवाब दे पाएंगे? अपने पुत्र की अन्यायपूर्ण हत्या करने के बाद आप स्वर्ग में सुभद्रा का सामना कैसे करेंगे? मैं जानता हूँ हर बच्चे में अर्जुन या कर्ण बनने की क्षमता नहीं होती और इसलिए केवल कुछ ही छात्रों को अपने शिक्षक से संपूर्ण ज्ञान का दावा करने का अधिकार होता है। मैं इस बात से भी सहमत हूँ कि अश्वत्थामा अर्जुन जितना समर्पित नहीं था और इसलिए अर्जुन आपके ज्ञान का एकमात्र योग्य दावेदार है, न कि आपका अपना पुत्र अश्वत्थामा। हालांकि आपको अपने बेटे को सही निर्णय लेना सिखाना चाहिए था। आपको अश्वत्थामा को यह सिखाना चाहिए था कि नैतिक रूप से सही और नैतिक रूप से गलत निर्णय के बीच में अंतर कैसे किया जाए। यदि आपने अपने पुत्र को थोड़ी सी नैतिकता सिखाई होती तो वह दुर्योधन के खेमे में धर्म के विरुद्ध युद्ध नहीं करता। युद्धसव को देखो, वह राजा धृतराष्ट्र और सौवले एक शाही दासी का पुत्र है, लेकिन वह धर्म की ओर से लड़ रहा है। वह ऐसा इसलिए कर रहा है क्योंकि उसकी माँ ने उन्हें सही नैतिक ज्ञान दिया है। वह एकमात्र ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने द्रौपदी के अपमान के खिलाफ अदालत कक्ष में विरोध प्रदर्शन किया था, जबकि आप और आपका बेटा चुप थे। युद्धसव की माता से सीखो गुरुदेव, उनसे सीखो, वह सिर्फ एक नौकरानी है और आपकी जितनी जानकार नहीं है।
लेकिन उसने अपने बेटे को अच्छे से पाला है। द्रोणाचार्य बोले, हे वासुदेव, मैं अपने आपसे सहमत हूँ, लेकिन एक बात बताओ, इसमें गलत क्या है कि एक पिता अपने बेटे से बहुत प्यार करता है, क्या उसे दुनिया में अपने और अपने बेटे से प्यार करने का पूरा अधिकार नहीं है? कृष्ण, हे महर्षि द्रोण, मेरी बात सुनो। सच्चा प्रेम समृद्धि देता है, सच्चा प्यार विषय को सही और गलत के बीच अंतर सिखाता है। जिसे आप प्यार समझते हैं वह प्यार नहीं बल्कि मोह है। यह सांसारिक चीजों रिश्तों का लगाव है। क्या आप जानते हैं सच्चा प्यार क्या होता है? अर्जुन के प्रति आपका जो व्यवहार है, प्रेम है, वही सच्चा प्रेम है। क्या आप जानते हैं मोह क्या है? आपका अपने पुत्र अश्वत्थामा के प्रति जो प्रेम है वह मोह है। धृतराष्ट्र का अपने पुत्र दुर्योधन के प्रति मोह है, प्रति जो प्रेम था वह मोह है। भीष्म का अपने पिता शांतनु के प्रति जो प्रेम था वह मोह है। मोह और प्रेम एक साथ नहीं रह सकते, जैसे धर्म और अधर्म एक साथ नहीं रह सकते, प्रकाश और अंधकार एक साथ नहीं रह सकते, जल और अग्नि एक साथ नहीं रह सकते। द्रोणाचार्य, वासुदेव, क्या मुझे प्रेम और मोहों के बीच अंतर समझा सकते हैं? कृष्ण, अवश्य, प्रेम करुणा से आता है, जबकि मोह अहंकार से आता है। प्रेम कहता है, मेरे बच्चों को संसार की सारी सफलता, वैभव, सुख प्राप्त हो। मोह अहंकार कहता है, मैं अपने बच्चे को संसार की सारी सफलता, वैभव और सुख दूंगा। प्रेम कहता है, मुझे अपने बच्चों पर गर्व है, चाहे वह सफल हो या नहीं, मैं उन्हें जीवन में शुभकामनाएं देता हूँ। मोह कहता है, अहंकार कहता है, दुनिया को मेरे बच्चों और उसकी उपलब्धियों पर गर्व होना चाहिए, और वह सबसे अच्छा बेटा बेटी है जिसे दुनिया ने कभी देखा है। प्रेम मुक्ति देता है, गुरुदेव मोह मोह देता है। मोह अधर्म है। जब आप अपने पुत्र को गाय का दूध नहीं दे पाए तो आपने अपनी साधना तोड़ दी और अपने पुराने मित्र राजा द्रुपद से बदला लेने के लिए यात्रा पर निकल पड़े। हे गुरुदेव, यह बहुत बड़ी गलती है। आपके अपने जीवन को उद्देश्य ज्ञान है। पुराने मित्र द्रुपद से बदला लेने के लिए यात्रा पर निकल पड़े। आप ब्राह्मण हैं, आपके जीवन को उद्देश्य ज्ञान का उपभोग करना और दूसरों को शिक्षित करके उन्हें अज्ञान से मुक्त करना है। हालांकि आप धर्म से भटक गए और एक अलग रास्ते पर चले गए। यदि आप सच्चे ब्राह्मण होते तो आपने द्रुपद को क्षमा कर दिया होता। यदि आप सच्चे ब्राह्मण होते तो आपने अपने बेटे को सिखाया होता कि उसके पास जो कुछ है उसे उसके लिए कृतज्ञ होना चाहिए। गाय के दूध के बिना कैसे संतुष्ट रहना चाहिए, जिसे आपका बेटा इतनी बुरी तरह चाहता है? अपने बच्चे के भविष्य को सुरक्षित करने और भौतिक सुख सुविधाएं प्रदान करने के लिए आप उसके चरित्र को सुरक्षित करना भूल गए। आप उसे नैतिकता सिखाना भूल गए। यह आपके अहंकार और द्रुपद के प्रति आपके
लालसा सफलता की आपकी काल्पनिक परिभाषा का कारण है। आपने अपने बच्चे को धर्म को नष्ट कर दिया। मैंने सदैव अपने विद्यार्थियों को पूर्ण बनाने का प्रयास किया है। यही वही चीज थी जिसके लिए मैंने अपने पूरा जीवन अपने विद्यार्थियों के साथ ज्ञान का आदान प्रदान किया है। एक पल के लिए इसके बारे में सोचें तो महान कृष्ण, आप यहाँ अपने विद्यार्थियों को मुफ्त में ज्ञान देने के लिए नहीं आए हैं। आप यहाँ अपने विद्यार्थियों के साथ ज्ञान का व्यापार करने और द्रुपद की सेना के खिलाफ प्रतिशोध लेने के लिए उनका उपयोग करने आए थे। गुरुदेव, आप एक बिजनेसमैन हैं, आप ब्राह्मण नहीं हैं। दुनिया आपको एक प्रसिद्ध ब्राह्मण मानती है, लेकिन जहाँ तक मैं देखता हूँ, आप एक चतुर व्यवसायी हैं। अपने गुरु शिष्य रिश्ते की परंपरा को भी भ्रष्ट कर दिया है। यह सब आपके अहंकार का परिणाम है कि आप दुनिया को और द्रुप्त को कुछ साबित करना चाहते हैं। जिस व्यक्ति के हृदय में अहंकार, लोभ, क्रोध और ईर्ष्या है, वह कभी गुरु नहीं हो सकता। द्रोणाचार्य, वासुदेव, मैं आपका अभिप्राय समझता हूँ। अब मुझे क्या करना चाहिए जिससे कम से कम धर्म की मर्यादा का पालन कर सकूं? कृष्ण कहते हैं, सबसे पहले अपना अहंकार छोड़ो गुरुदेव। अहंकार को एक तरफ रखकर एक पल के लिए सोचें, क्या आप सचमुच ब्राह्मण थे? क्या आपने सचमुच वही किया जो एक ब्राह्मण को करना चाहिए? द्रोणाचार्य, नहीं, मैं नहीं था। मुझे अब इसका एहसास हो गया है कृष्ण, तो इस समय आपका धर्म स्वयं को आगे बढ़ाना है और बड़े उद्देश्य की दिशा में बाधा नहीं बनना है।